अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में तूफान और सैलाब ने मचाई तबाही। अब तक 48 अफराद की मौत की खबर। न्यूयॉर्क व दीगर रियासतों में इमरजेंसी डिक्लेयर। बाइडन ने कहा मौजूदा मौसमी हालात हैं बड़ा चैलेंज। नई तालिबान हुकूमत का हफ्ता 4 सितंबर को होगा ऐलान। ख्वातीन को हुकूमत में शामिल करने के फैसले पर होगी सबकी नज़र। तमाम जमातों की नुमाइंदगी वाली हुकूमत बनाने का इंटरनेशनल कम्युनिटी का है तालिबान पर दबाव। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में चाकू से हमला करते हुए एक शख्स ने 6 शहरियों को किया जख्मी। पुलिस की फायरिंग में हमलावर हलाक। श्रीलंका के शहरी के तौर पर हुई हमलावर की शनाख्त। दाइश से था मुतासर। सिख मुखालिफ दंगों में कसूरवार कांग्रेस लीडर सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिला बड़ा झटका। मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पर जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा सज्जन कुमार सुपर VIP नहीं है। दिल्ली फसादात को लेकर अदालत ने दिल्ली पुलिस को लगाई जबरदस्त फटकार। अपने तारीख रिमार्क में अदालत ने कहा तारीख में दिल्ली के भयानक फसादात में पुलिस की नाकामी जमहूरियत के मुहाफिजों को देगी तकलीफ। और राहुल गांधी ने बढ़ती बेरोजगारी पर जाहिर की तश्वीश। मोदी सरकार को कटहरे में किया खड़े। ट्वीट में कहा रोजगार के लिए मोदी सरकार नुकसानदेह, जिनके पास नौकरी है उसे भी छीनने में लगी है।